अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सनावद में खुले उच्चिष्ट गणपति मंदिर के पट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए श्रद्धालुओं ने दर्शन। नगर की सीमा पर बसे माह में एक बार खुलने वाले उच्चिष्ट गणपति मंदिर के पट खुले, जहां सुबह से लेकर रात तक धार्मिक आयोजन संपन्न किए गए। पूजन के यजमान दंपति द्वारा पूजन विधि संपन्न करवाई गई। नगर की सीमा पर स्थित उच्चिष्ट गणपति मंदिर के पट माह में एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन खुलते हैं, जहां पट खुलने के बाद ही विभिन्न धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी के दिन श्रद्धालु गुड पाड़े लड्डू खाकर भगवान के दर्शन करते हैं। इस परंपरा कर श्रद्धालु आज भी निर्वहन कर रहे हैं। वहीं मंदिर में सुबह 7 बजे पट खुलने के बाद भगवान का 108 औषधियों से अभिषेक किया गया। दोपहर 2:30 बजे लड्डू और दुर्वा से हवन एवं शाम को महाआरती संपन्न हुई। वहीं आरती के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को भगवान के विग्रह का आशीर्वाद दिया गया। रात 10 बजे तक अन्य पूजन गतिविधि एवं श्रद्धालुओं के दर्शन के साथ मंदिर के पट एक माह के लिए बंद किए गए। आचार्य पंडित संदीप बर्वे ने बताया कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें मुंह झूठा करके दर्शन करने की परंपरा है। वहीं पूर्व में मंदिर अन्य स्थानों पर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल में नगर में यह मंदिर स्थापित होकर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस दौरान खंडवा, खरगोन, इंदौर, बड़वानी, धार, सेंधवा सहित बड़वा, सनावद एवं अन्य नगरों से श्रद्धालुओं के भगवान के दर्शन किए। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की गई थी। पूजन की आजमान प्रेम शंकर पालीवाल खंडवा ने परिवार सहित पूजन विधि संपन्न करवाई। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं का भक्त मंडल के सेवादारों ने आभार व्यक्त किया। डीजीआना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, सनावत।